हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बनाएंगे करेले की चटपटी सब्जी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 kg करेले ले लिए हैं और उन्हें अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद उसके थिन स्लाइसेस कट कर लिए हैं। आप चाहे तो पहले कट कर सकते हैं और उसके बाद आप उन्हें वॉश कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे पहले वॉश किया है और फिर थिन स्लाइसेस बनाई है। मैंने उसके ऊपर की स्किन को रिमूव नहीं किया है, आप चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं, बट मैं हमेशा करेले ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि इसके अंदर काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इसकी अगर हम स्किन को पील कर देंगे, हटा देंगे, तो वो न्यूट्रिएंट्स भी हमारे निकल जाएंगे। उसके बाद हम इन थिन स्लाइसेस को नमक लगा के रखेंगे। आप इन्हें यहाँ पे आधे घंटे से 45 मिनट तक रख सकते हैं। नमक ज़्यादा लगाना है, नमक इसलिए लगाया जाता है ताकि नमक इससे जो कड़वापन है उसको निकाल दे। तो आप नमक ज़्यादा लगाएंगे और उसके बाद हम इसको 30 से 45 मिनट तक रख देंगे। 30 से 45 मिनट के बाद इन्हें अच्छे से निचोड़ देना है और इनके अंदर जितना भी सारा पानी है वो निकाल देना है। वो सारी कड़वाहट जो होती है करेले से वो निकल जाएगी और आपके जो करेले बनेंगे वो कड़वे नहीं बनेंगे। तो अच्छे से धोने के बाद फिर हम उसे क्या करेंगे, सुखा देंगे। फैन के नीचे आप उसे सुखा सकते हो 15 से 20 मिनट। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप उसको मैक्सिमम 30 मिनट्स तक अच्छे से फैन के नीचे सुखा दीजिए, उसमें जितना भी पानी होगा वो सारा निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल लिया है, आप चाहे तो रिफाइंड भी ले सकते हैं। वैसे सरसों के तेल में करेले अच्छे बनते हैं, तो इसीलिए मैं हमेशा करेले सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। जो सरसों का तेल है आपको उसको बहुत अच्छे से पकाना है, उसमें महक नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे जो सुखाए हुए करेले हैं उनको डाल देंगे और डीप फ्राई करेंगे। और करेले को हमें तब तक पकाना है जब तक वो लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते, ठीक है। ज़्यादा आप यहाँ पे फ्लेम को हाई नहीं रखेंगे, फ्लेम को आपको लो टू मीडियम रखना है और उसमें धीरे धीरे बीच बीच में चलाते रहना है, और जब तक वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक आप उन्हें पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारे करेले हैं वो लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। तो अब हम इन्हें और ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, अब हम इनको एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है, जैसे ही करेले फ्राई हुए हैं तेल आपकी कढ़ाई में बच गया है। इस तेल को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे हमारे जो प्याज है उनको पकाने के लिए। प्याज मैंने यहाँ पर करेले बनाने के लिए 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और उनको बहुत ही पतला पतला मैंने यहाँ पे काट लिया है। तो आप देख सकते हो तेल बिल्कुल गर्म हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे आधी चम्मच हींग। हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है करेले के अंदर। हींग डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच जीरा। जीरा डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे हमारी जो काटी हुई प्याज है वो, और उसको बहुत लो मीडियम फ्लेम पे हम यहाँ पे पकाएंगे। और पकाना बहुत ज़्यादा नहीं है प्याज को, प्याज को बहुत लाइट ब्राउन, हल्का ब्राउन होने तक आपको यहाँ पे पकाना है। जब प्याज अच्छे से पक जाएगी तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच हरी मिर्च और जो अदरक लहसुन है उसका पेस्ट, वो मैंने बना के रखा हुआ है, तो वो हम यहाँ पे मिलाएंगे, वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर देगा यहाँ पर। उसके बाद हम डालेंगे 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच नमक मैं यहाँ पे डाल रही हूँ जो इसको अच्छे से पकने में मदद करेगा, और 2 चम्मच हम यहाँ पे डालेंगे धनिया पाउडर, और उसको अच्छे से पका लेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे आपको पकाना है, फ्लेम हाई मत करना नहीं तो सारी चीजें यहाँ पे जल जाएंगी। और लो मीडियम फ्लेम पे जब भी हम कोई चीज पकाते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो इसको आपको बराबर हिलाते रहना है। अब आप देख सकते हैं जो प्याज का कलर है वो बहुत अच्छा आ गया है, हल्दी का कलर भी बहुत अच्छा आ गया है, लाइट गोल्डन ब्राउन आपको यहाँ पे प्याज दिखने लग रही है। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे हम। अब इसके अंदर हम डाल देंगे हमारे जो फ्राई करे हुए करेले हैं उनको। तो यहाँ पे हमने करेले डाल दिए हैं, अब हम इसको अच्छे से हिलाएंगे, अच्छे से सारा मसाला करेले के अंदर चला जाए, इसको हमें अच्छे से मिलाना है। उसके बाद हम जो अपनी फ्लेम है उसको थोड़ा सा मीडियम रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है, और इसको बराबर हिलाते रहेंगे। तो करेले डालने के बाद हमें इसे 5 से 10 मिनट लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकाना है ताकि करेले में जितना भी तेल है वो सारा छोड़ दे और उसके अंदर मसाला अच्छे से रम जाए।
10 से 15 मिनट के बाद अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच आमचूर पाउडर, जो जिससे बहुत ही टैंगी और बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं करेले। तो देखो, हमने पहले इनको डीप फ्राई किया था तो उससे क्रिस्पी बनेंगे और साथ में आमचूर डालने से बहुत ही टैंगी सा और ट्विस्टी सा टेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा करेले में। अब हम इसको आमचूर डालने के बाद ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, बस इसको हम 1-2 मिनट लो मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा पकाएंगे ताकि आमचूर भी इसके अंदर अच्छे से रम जाए, और उसके बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे। और अब देखिए, आपके जो करेले हैं वो तैयार हैं, आप इसे सर्व कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको गार्निश कर सकते हैं कोरिएंडर से, धनिया आप इस पर डाल सकते हैं, बट मैं इसको वैसे ही प्रेफर करती हूँ बिना धनिए के। अब आपके पास ये करेले बनकर तैयार हो गए हैं, क्रिस्पी टैंगी करेले। आप इसको चाहे तो रोटी के साथ या पराठे के साथ या पूड़ी के साथ खा सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट भी है आपका। आप इसे लंच डिनर किसी भी टाइम पे खा सकते हैं, जो कि स्कूल टिफ़िन लंच के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत ही हेल्दी होता है बच्चों के लिए। करेला, जिसको बिटर गॉड भी बोलते हैं, ये एक ग्रीन वेजिटेबल है और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं। जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं वो इसे खा सकते हैं, और साथ साथ जो लोग डाइट करते हैं वो भी इसे सब्जी के फॉर्म में या फिर इसका जूस बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फैट रिड्यूसर होता है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप इसे घर पे ट्राई कर सकते हैं, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।